हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप चौधरी। जैसा कि आपको पता है, हमारे टेक्नो ज्ञान मास्टर चैनल पॉलीटेक की बात किया थी, तो गाइस ये कुछ बड़ा अपडेट आया है और इसके बारे में मुझे वीडियो बनाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा और ये शाम के 7:30 के करीब बज रहा है, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो हो सकता है ये आपको आज ना मिल पाए क्योंकि इतना लेट हो सकता है, मैं एडिट ना कर पाऊँ या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो हो सकता है ये आपको सुबह 10 बजे तक वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। कन्फर्मेशन तो यही रहेगा, पर वो जो अपडेट क्या है, वो अपडेट क्या है वो आप जान लो, ठीक है। बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है, जैसे क्या होता था गाइस, जैसे आपका चैनल मोनेटाइज, जब आपका 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद क्या करना पड़ता है, हमें आइडेंटिटी वेरीफिकेशन करना पड़ता है और हमें अपना जो एडसेंस है उसको चैनल से लिंक करना पड़ता है। अगर जिसका एडसेंस पुराना होता है तो उससे लिंक करना पड़ता है, और जिसका नहीं होता है तो उसको नया बनाना पड़ता है, ठीक है। और दूसरा हमें आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना पड़ता है। जो पहला स्टेप है वो सबका कंप्लीट हो जाता है क्योंकि वो नया एडसेंस बना लेता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, या पुराना होता है तब भी वो कंप्लीट हो जाता है। अब नई प्रॉब्लम ये आ रही है, जैसे ही वो दूसरा स्टेप जो आ रहा है, अगर वो दिखा रहा है बहुत दिनों तक वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, वो कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है, वो कंप्लीट इसलिए नहीं हो रहा है गाइज, क्योंकि सभी यूट्यूबर ने बताया है कि अगर आपको, और ये हमने भी बताया है पहले अपनी पुरानी वीडियो में, कि अगर आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है तो उसके लिए आपको पैन कार्ड चाहिए, वोटर कार्ड चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, या फिर आपको चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस। यानी अगर इनके पास ये 4 डॉक्यूमेंट में से कोई भी है तो आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाएगा। दोबारा से सुन लो, नहीं समझ में आया हो, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, इनमें से 4 कोई डॉक्यूमेंट होता था तो आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाता था। बट अब क्या हुआ है, कुछ दिनों से हमें भी नहीं पता था, अभी अपडेट आया है, जब लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी तो हमने जानने की कोशिश करी और हमें उसमें जानने को मिला कि उसमें ओनली अब ये 3 डॉक्यूमेंट रह गए हैं। 3 डॉक्यूमेंट क्या क्या रह गए हैं, आप ओनली अब कर सकते हो केवल पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और आपका वोटर कार्ड, यानी पैन कार्ड उसमें से हटा दिया है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। और ये सच भी है क्योंकि पैन कार्ड हमारा एक आइडेंटिटी प्रूफ नहीं होता है, ये एक टैक्स के प्रूफ में होता है, जिससे हमारा पैन कार्ड नंबर होता है इनकम टैक्स वगैरह के लिए प्रूफ में मांगा जाता है, इसलिए ये गवर्नमेंट ने के अथॉरिटी को देखते हुए ये पैन कार्ड हटा दिया गया है। और ये पैन कार्ड का भी यूज होगा, ये हुआ कब, जब आप अपना US टैक्स फॉर्म भरोगे तब ये उसका पैन कार्ड का यूज तो होगा, पैन कार्ड मांगेगा आपसे बाद में, ठीक है। बट अभी ये हटा दिया गया है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में आपको आइडेंटिटी दिखानी है अपनी, जैसे वोटर कार्ड होता है, पासपोर्ट होता है और आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है, इनमें क्या आपका एक एड्रेस होता है और जिससे आपकी आइडेंटिटी पता चलती है, ठीक है। तो गाइस ये अपडेट कर दिया है और ये नए यूट्यूबर के लिए हो सकता है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जिनके पास पैन कार्ड है और जिनके पास वोटर कार्ड नहीं है। तो गाइस वोटर कार्ड होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होता है और बहुत सारे लोगों के पास होता भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अब पैन कार्ड हटा दिया गया है, पैन कार्ड आपको ओनली टैक्स का फॉर्म भरते टाइम ही यूज करना पड़ेगा। तो गाइस अब आप सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, अब आपको पैन कार्ड अपलोड नहीं करना है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में। बहुत सारे लोगों की जो 2 स्टेप है वो इसलिए कंप्लीट नहीं हो पा रहा है क्योंकि उन लोगों ने पैन कार्ड को अपलोड कर दिया है, इसलिए वो कंप्लीट नहीं हो रहा है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। अब आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से कोशिश करना पड़ेगा और उसमें आपको अपना या फिर अपने घर वालों का, जैसे क्या है, आप अपना वोटर कार्ड का यूज कर सकते हो, या फिर आप अपने घर में, ज़्यादातर तो वोटर कार्ड किसी के पास होता है, जैसे हम पहचान पत्र बोलते हैं वो होता ही है, उसको आप यूज कर सकते हो और इससे आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है और आपका जो है वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर आपकी 18 साल से उम्र पूरी हो गई है, आप अपना खुद का वोटर कार्ड भी खुद बना सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं कि आप वोटर कार्ड कैसे बना सकते हैं, आप उससे पहले बना लें अगर आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन वाला अभी ऑप्शन नहीं आया है तो, ठीक है। तो गाइज ये था कुछ अपडेट नया आज का इस वीडियो में। आपको ये अपडेट कैसा लगा, खासकर सच बताऊँ तो मुझे तो बहुत ही बुरा लगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास वोटर कार्ड नहीं होता है और पहले तो मेरे पास भी नहीं था, ठीक है। तो चलो बढ़िया है, हमारे पास अब वोटर कार्ड भी है, सब कुछ है, अब तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। बट जो जिन लोगों के पास वोटर कार्ड नहीं होता है उनको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, तो हो सकता है कुछ आगे जाके पता चले। बट अब भाई यूट्यूब है तो माननी पड़ेगी यूट्यूब की बात।
तो गाइज आज की वीडियो को बस हम यहीं ख़त्म करेंगे। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और भी कोई आपका यूट्यूबर है, कोई जानने वाला है जो यूट्यूब पर काम करता है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। और कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको यूट्यूब से रिलेटेड, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर आके मैसेज करें और आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कराएं, किसी की बातों में ना आए, ठीक है? तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।